रेपो रेट्स पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है, लगभग 0.9% तक रेपो रेट्स आज के समय में बढ़ चुके हैं, और इनका बेनिफिट हमें हमारे इन्वेस्टमेंट या फिर बैंक बैलेंस पर नहीं मिल रहा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि करेंट समय में जो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट है SBI का या फिर अदर बैंक्स का, वो 2.75% से लेकर करीब 3% के अराउंड में है। तो इसके वजह से काफ़ी जो लोग हैं वो नाखुश हो चुके, क्योंकि यहाँ पर उनको अपने सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट अच्छा खासा नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ SBI ओवरनाइट फंड के बारे में डिटेल्स, जिसमें आप अपने पैसे को रख कर कमा सकते हैं 4-5% तक का रिटर्न, जो कि एक तरीके से रिस्क फ्री इनकम है यहाँ पर। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं मनी सेठ। तो यहाँ पर चलिए जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं SBI ओवरनाइट फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो फंड है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरनाइट है, मतलब आज के दिन में इन्वेस्ट किया गया पैसा कल के दिन वापस मिल जा रहा है। यहाँ पर ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि SBI की तरफ से चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो मेनली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वन डे के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पैसा इस फंड में निवेश हो रहा है वो मनी मार्केट में जा रहा है। थोड़ी देर में हम इसके पोर्टफोलियो वगैरह को भी देखेंगे कि इस फंड में कौन से सेगमेंट में और कौन से सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। उससे पहले थोड़े अदर डिटेल्स हम देख लेते हैं SBI ओवरनाइट फंड के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ओवरनाइट फंड है जो कि मेनली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जस्ट वन डे, मतलब एक दिन के मैच्योरिटी के हिसाब से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। बात करें यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये यहाँ पर रखना पड़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं, और SIP अगर आप यहाँ पर करते हैं तो 2,000 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल आप 5,000 आपको करना ही पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस आपको 1,000 यहाँ पर रखना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर देखिए, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और ना ही कोई एग्जिट लोड है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ओवरनाइट फंड है जिसका इस्तेमाल लिक्विड फंड्स की तरह होता है। इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह में करने में आता है, इसलिए यहाँ पर एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है। बात करें कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो यहाँ पर जैसे आपको पता ही चल रहा है नाम से कि ये SBI का एक म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर SBI के नाम आ जाने की वजह से ये फंड काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है। लॉन्च डेट की बात करें तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, और अभी तक रिटर्न की बात करें तो 6.19% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो चुका है एवरेज में। अब यहाँ पर ये जो रिटर्न है, ये आपको 6.19% इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले के समय में रेपो रेट्स और साथ में जो SB के इंटरेस्ट रेट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपको अभी के समय के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो रिटर्न है ये आपके फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करता, ये बात आप ध्यान में रखना। पॉलिसीज़ के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न हमेशा चेंज होते हैं। अब देखिए रिस्कोमीटर देखें तो यहाँ पर रिस्क एकदम लो है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फंड हो जाता है। क्योंकि ये एक लिक्विड फंड है इसलिए भी ये थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है। बेंचमार्क इनका क्राइसिल ओवरनाइट फंड का है, ठीक है। ये स्कीम जो है ये ओपन एंडेड है, मतलब कभी भी इन्वेस्टमेंट कभी भी एग्जिट किया जा सकता है। एसेट के साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपये का फंड्स है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 0.1% का एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा रिटर्न ग्रेड की देखें तो एवरेज है, रिस्क ग्रेड यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रिस्क एकदम लो है। अब हम बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में, मतलब आप जो पैसा इस ओवरनाइट फंड को दे रहे हैं वो पैसा कंपनी कहाँ कहाँ निवेश कर रही है या फिर कहाँ कहाँ होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, बात करें सिक्योरिटीज़ की, तो यहाँ पर आज के समय में टोटल 3 सिक्योरिटीज़ है, मतलब 3 डेब्ट या फिर इक्विटी है। यहाँ पर नॉर्मली जो ये फंड है ये बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी है वो T-bills है, और यहाँ पर जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो करीब 4.67% है। मतलब यहाँ पर अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल में आपको 4.67% का रिटर्न जनरेट होगा। SB में अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.75% का मिनिमम रिटर्न जनरेट होता है। तो इस हिसाब से देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 2% का यहाँ पर एक्स्ट्रा रिटर्न आपका जनरेट हो रहा है। वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं
वाह क्या बात है, ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। अब एक और बात देखिए, अब जैसे ये एक म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर एक एक्सपेंस रेशियो लग रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया 0.1% लग रहा है, तो इस एक्सपेंस रेशियो को भी इस यील्ड से माइनस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा इफेक्टिव जो रिटर्न अभी के समय के हिसाब से जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 4.57% का, जो कि फिर भी हमारे SB रेट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो फंड है ये रेपोस, रिवर्स रेपोस और बॉन्ड्स, टीबिल्स में इन्वेस्ट करता है। इस फंड के पोर्टफोलियो को हम देखेंगे तो हम काफ़ी अच्छे डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर जैसे देखिए, मैं आपको अब इस फंड का फैक्ट शीट दिखा रहा हूँ। फैक्ट शीट में कुछ बेहतर तरीके से डिटेल्स दिए रहते हैं। तो ये जो फंड फैक्ट शीट है ये ग्रोथ प्लान का है। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो पोजिशन देखिए, इनका जो पोर्टफोलियो है इसमें 3 सिक्योरिटीज़ है जिनके डिटेल्स मैंने आपको अभी बताए। यहाँ पर ये जो 3 सिक्योरिटीज़ है ये 2.93% का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 97.07% तक का पैसा होल्ड किया गया है। अब ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है यही हमारा एक्चुअल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब कैसे ये रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए, बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये फंड फैक्ट शीट मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूँगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एज पर June 30, 2022। यहाँ पर ये फंड क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते इसलिए हम इक्विटी वगैरह को नहीं देख रहे। यहाँ पर देखिए, ट्रेजरी बिल्स का डिटेल्स दिया गया है सी पॉइंट में। यहाँ पर 3 ट्रेजरी बिल्स है जो कि 91 डे और 182 डेज के हैं। इन तीनों ट्रेजरी बिल्स में रिटर्न अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। यील्ड टू मैच्योरिटी देखें तो 4.46%, 4.55, 4.36%, ऐसे करके यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो रहा है। इसके अलावा देखिए, इनका जो 97% वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ट्रेप्स रिवर्स रेपो। अब आपने अगर प्रीवियस वीडियो को देखा होगा मेरे, तो आपको रेपो रेट्स के बारे में आइडिया होगा कि रेपो रेट्स पिछले कुछ महीनों में 0.9% से बढ़ चुके हैं। अब ये जो रेपो रेट बढ़ा है इसकी वजह से जो मार्केट में लोन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, जिसके वजह से जो लोन प्रोवाइडर्स है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जैसे अभी के समय में रेपो रेट्स 4.9% है, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है कि अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी RBI के पास जाती है तो उसे 4.9% का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है ये हमारा पैसा लेकर बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सस्ते रेट्स पे फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे RBI 4.9% चार्ज कर रहा है लोन्स के लिए या फिर फंड्स के लिए, तो ये म्यूचुअल फंड 4.7% या फिर 4.6% इस हिसाब से चार्ज कर रहा है। और ये जो फंड्स म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशन से कुछ गारंटी के रूप में भी ले रही है। जैसे कि रीपर्चेस ऑर्डर, ये हो जाता है फुल नेम रेपो रेट्स का। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन RBI के पास जाती है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इनके पास RBI के पास प्लेज करते हैं, तब उन्हें फंड्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ रही है तो वो भी अपना कुछ सिक्योरिटी प्लेज कर रहे कंपनी के साथ और फंड्स ले रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो 4.7% का जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको 4.57 या फिर इससे ज़्यादा का रिटर्न दे पा रहा है। इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट भी देखने को मिलेगा। अब रिवर्स रेपो रेट मतलब हो जाता है हमारा पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा RBI के पास डिपॉजिट हो रहा है, तो RBI जनरली जो रिवर्स रेपो रेट है वो कम देती है। मतलब अगर सिंपल टर्म में कहें तो यहाँ पर करंट के हिसाब से शायद मुझे जहाँ तक याद है 3.35% का यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट है। तो इसलिए यहाँ पर 12% का फंड RBI के पास है और 85% फंड कॉरपोरेट और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैंकों के पास है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर अंत में कहा जाए तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप
अपने सेविंग्स के बैलेंस को इस फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर आपका फ़ंड सेव भी रहेगा, साथ में आपका जो फ़ंड है वो एक्स्ट्रा रिटर्न भी जनरेट करेगा कंपेयर टू सेविंग्स बैंक अकाउंट। और आप इस फंड के ज़रिए रेपो रेट्स में जो इंक्रीमेंट है उसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पता चल गए होंगे इस फंड से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।